नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप सब जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो परंपरागत विषयों की सीमाओं से परे है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में जब आप पर्यावरण अध्ययन विषय का शिक्षण अधिगम कराते हैं, तब आपको अन्य विषयों की भांति वहाँ भी पाठ्य योजनाओं का निर्माण तो करना पड़ता है, परंतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात NCF 2005 में जो अनुमोदन किए गए हैं उनके आधार पर आपसे ये अपेक्षा है कि आप संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित पाठ्ययोजना निर्माण की किसी प्रणाली का प्रयोग करेंगे। पाठ्ययोजना निर्माण की ऐसी ही एक प्रणाली जो संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है वह है 5E या 5E प्रणाली। आज हम 5E प्रणाली के विषय में, उसके विभिन्न घटकों के विषय में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं, और एक शिक्षक के नाते आपको ये जानना भी चाहिए कि एक पाठ्य योजना एक शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक पाठ्य योजना न केवल आपको दैनिक पाठों के नियोजन में मदद करती है, बल्कि साथ साथ जब आप पाठ्य योजना निर्माण करते हैं तो आपको जो शिक्षण अधिगम कक्षा में कराना है उसकी आप पूर्व से पहले से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जब आप पहले से तैयारी करते हैं, पहले से पाठ्य योजना बनाते हैं, तो आपको प्रतिदिन किस सामग्री की आवश्यकता है, किन संसाधनों की आवश्यकता है, उनका व्यवस्थापन, उनकी व्यवस्था आप पहले से कर सकते हैं, तो उनके व्यवस्थापन में भी पाठ्य योजना आपकी सहायक होती है। साथ ही जब आप अपनी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं, पाठ्य योजना में उनका समावेशन करते हैं, तो आप उन क्रियाकलापों की भी पहचान करते हैं जिन क्रियाकलापों का आयोजन आपको दैनिक अपनी कक्षा में करना है। पाठ्य योजना में जो कक्षा कक्ष में संभावित क्रियाकलाप हैं उनकी पहचान और उनके नियोजन में भी पाठ्य योजना आपकी सहायक होती है। और इसके साथ साथ आप जिन शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का या अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उन अनुदेशात्मक उद्देश्यों के प्राप्ति में भी एक पाठ्य योजना आपकी मदद करती है। एक पाठ्य योजना में क्या क्या शामिल होता है? आप सब प्राथमिक स्तर पर शिक्षक हैं, आप सब पाठ्य योजनाएं बनाते हैं। कोई लिखित में पाठ्य योजना बनाता होगा, कोई मौखिक में बनाता होगा, कोई संक्षिप्त में बनाता होगा, कोई पूर्ण रूपेण पूर्ण विकसित पाठ्य योजना बनाता होगा। आप किसी न किसी प्रारूप का प्रयोग तो करते ही होंगे। पाठ्य योजना चाहे संरचनावादी प्रारूप में बने, चाहे व्यवहारवादी प्रारूप में बने, या किसी भी परंपरागत प्रारूप में बने, एक पाठ्य योजना में कुछ घटक सदैव सम्मिलित होते हैं। पहला घटक है विषय या पाठ का कथन, अर्थात कौन सा पाठ उनको पढ़ना है, आज कक्षा में कौन से पाठ पर चर्चा होनी है। अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य है कि वे कौन से उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इस पाठ या इस विषय या इस विषय वस्तु को चुना गया है। विषय वस्तु की रूपरेखा, साथ ही जो विषय वस्तु आपने चुनी है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस विषय वस्तु के लिए किस प्रकार के अध्यापन अधिगम क्रियाकलापों का नियोजन आपको कक्षा में करना है, तो क्रियाकलापों का निर्धारण एक पाठ्य योजना में होता है। उन क्रियाकलापों में किस सामग्री की उपयोगिता है, किन संसाधन का आपको उपयोग करना है, क्या वो संसाधन कोई कक्षा कक्ष संसाधन है, या वो संसाधन घर से अध्यापक लेकर आया है, या विद्यार्थियों से उस प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था की गई है, तो उस सबको भी पाठ्य योजना में शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही पाठ्य योजना में ये भी सम्मिलित होता है कि जिन अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण पाठ्य योजना में किया गया है, किस हद तक वो उद्देश्य उस कक्षा में प्राप्त किए जा रहे हैं, इसका आकलन, और इसका आकलन किस प्रकार करेंगे, अर्थात आकलन की युक्तियां कौन सी होंगी। तो एक पाठ्य योजना में एक पाठ का कथन, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विषय वस्तु की रूपरेखा, अध्यापन अधिगम क्रियाकलाप, सामग्री और संसाधन, और उसके अलावा आकलन की युक्तियां, ये 6 चीजें मुख्य तौर पर सम्मिलित होती हैं। आप पाठ्य योजना कैसे भी बनाएं, चाहे आप परंपरागत पाठ्य योजना बना रहे हों या आप संरचनावाद पर आधारित किसी प्रणाली का प्रयोग करके पाठ्य योजना बना रहे हों, एक पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व एक शिक्षक को कुछ प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। वे बड़े मूलभूत प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ये पाठ क्यों पढ़ाना चाहिए, ये पाठ क्यों पढ़ाना चाहिए, उद्देश्य क्या है पाठ को पढ़ाने का, इसको पाठ को पढ़ाने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होने वाले हैं, वो ज्ञान के किस नए आयाम का निर्माण करने वाले हैं, क्या वो कोई नया संप्रत्यय पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ाना चाहिए,
उस जब आप क्यों का निर्धारण कर लें, उस क्यों को पाने के लिए क्या पढ़ाया जाए, क्यों से क्या जुड़ा हुआ है। जब आपने ये तय कर लिया कि उनको क्यों पढ़ाना चाहिए, फिर आप तय कीजिए उनको क्या पढ़ाना चाहिए। क्या वो विषय वस्तु कोई सैद्धांतिक विषय वस्तु है, क्या वो सैद्धांतिक नहीं ना होकर कोई प्रयोगात्मक विषय वस्तु है, क्या कोई अनुभवात्मक विषय वस्तु है, क्या कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसका उनको अवलोकन करना है, क्या कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसमें उनको हस्तकार्य करने। तो विषय वस्तु की प्रकृति क्या होगी, क्या पढ़ाना है, क्यों के बाद आप ये तय करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आप पूछिए, जब आपने क्यों का निर्धारण कर लिया, क्या क्या निर्धारण कर लिया, किस प्रकार पढ़ाना है, ये पाठ किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, ये प्रश्न आपके समक्ष आना चाहिए। किस प्रकार की जब आप चिंता करेंगे, तब आप शिक्षण विधियों का निर्धारण करेंगे, शिक्षण युक्तियों का निर्धारण करेंगे, क्रियाकलापों का निर्धारण करेंगे, संसाधनों का निर्धारण करेंगे, उनके स्वरूप का निर्धारण करेंगे, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये करेंगे कि आपको कक्षा में जो आपने निर्धारित विषय वस्तु है वो किस प्रकार प्रदान करनी है, और फिर बच्चों ने क्या सीखा और कितना सीखा। अंग्रेजी में कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, अर्थात अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप आकलन किस प्रकार करेंगे ये कैसे पता लगाया जाए, अर्थात आकलन की युक्तियां कौन सी होंगी, आकलन की युक्तियां कौन सी होंगी, क्या वह एक मौखिक प्रश्न होंगे, क्या कोई क्रियाकलाप होगा, क्या कोई वर्कशीट होगी, क्या उनसे कुछ निर्माण करने को कहा जाएगा, क्या उनसे कुछ खोज करने को कहा जाएगा। तो जब आप इन चार मूलभूत प्रश्नों पर चिंता करते हैं, अर्थात आपको पाठ क्यों पढ़ाना है, आपको पाठ में क्या पढ़ाना है, आपको पाठ किस प्रकार पढ़ाना है, और बच्चों ने जो सीखा है उसका आप कैसे पता लगाएंगे, जब आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे तो आपको अपनी पाठ्य योजना निर्माण में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि पाठ्य योजना निर्माण करते समय आपको इन्हीं सब बिंदुओं को अपनी पाठ्य योजना में समाहित करना होता है। आप पाठ्य योजनाएं विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित बनाते रहे होंगे या बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में और वर्तमान में जो शिक्षण अधिगम प्रणाली भारत की विद्यालयों में संचालित हो रही है, उसमें रचनावादी पाठ्य योजना की बात की जाती है कि पाठ्य योजना जो है वो रचनावादी दृष्टिकोण पर, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित होनी चाहिए। और रचनावादी विचारधारा में आप जानते हैं वहाँ बात की जाती है बच्चों के अनुभवों को प्रयोग करने की, बच्चों द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करने की। तो उसमें पहली बात कही जाती है कि कक्षा कक्ष में जब अधिगम का प्रारंभ हो तो वह बच्चों के विचार, भावनाओं और कौशलों के अनुसार होना चाहिए। बच्चों के विचार, भावनाएं और कौशल ये महत्वपूर्ण हैं। साथ ही एक रचनावादी पाठ्य योजना में ये निर्धारित किया जाता है कि सहपाठियों के साथ बच्चों का अंतःक्रिया हो, अध्यापक के साथ बच्चों की अंतःक्रिया हो, वे जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश के साथ बच्चों की अंतःक्रिया हो, अर्थात अंतःक्रियात्मकता को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के अवसर आपकी पाठ्य योजना में होने चाहिए। एक रचनावादी पाठ्य योजना का ये एक महत्वपूर्ण आधार होता है। साथ ही हम सब जानते हैं कि रचनावाद बच्चों के स्वयं अर्थ निर्माण की बात करता है। रचनावाद कहता है कि बच्चे अपने अनुभवों और प्रयोग के आधार पर स्वयं अर्थ का निर्माण करते हैं। वे स्वयं अर्थ का निर्माण करें उसके लिए उनको अनुभव और प्रयोग के अवसर आपको देने हैं। अर्थात आप जब अपनी पाठ्य योजना बनाएं तो उस पाठ्य योजना में बच्चों को अनुभव के अवसर, बच्चों को प्रयोग के अवसर अधिक से अधिक मिलें, इसका ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही रचनावादी पाठ्य योजना में एक और बिंदु है, वह है कि वास्तविक अधिगम केवल आत्मसातीकरण से नहीं होता बल्कि अनुकूलन और समायोजन से होता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से होता है। परंपरागत पाठ्य योजनाओं में, परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक ज्ञान का प्रदाता होता था और बच्चा ज्ञान का ग्राही होता था तो अध्यापक जो ज्ञान प्रदान करता था बच्चा उस ज्ञान का आत्मसातीकरण करता था और हम ये मानते थे कि उसका अधिगम हो रहा है। लेकिन रचनावादी योजना ऐसा नहीं मानती। रचनावादी योजना कहती है कि वास्तविक अधिगम अनुकूलन और समायोजन से होता है। तो आप जब पाठ्य योजना बनाएं तो आपकी पाठ्य योजना में अनुकूलन और समायोजन के अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। साथ ही रचनावादी पाठ्य योजना ये भी मानती है, रचनावादी विचारधारा ये भी मानती है कि बच्चे जो नवीनतम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जो नई जानकारियां उनके पास आती हैं, जो नए अनुभव उनके पास आते हैं, उनके आधार पर वो नई नई अवधारणाएं बनाते हैं, या उनके जो मौजूदा विचार हैं
वो नई सूचनाओं, जानकारियों और अनुभवों के आधार पर वो उनमें परिवर्तन लाते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं और एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। तो आपकी पाठ्य योजना में नए अर्थ के निर्माण के अवसर होने चाहिए जब आप एक पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक कार्य या व्यवहार के प्रति वे अपने दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी अपनी व्याख्याएं होती हैं, उनके विचार स्वयं निर्मित होते हैं, वे आपके विचारों को उसी रूप में स्वीकार नहीं करते जिस रूप में आप उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो यह रचनावादी पाठ्य योजना की एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रत्येक बालक अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर, अपने अपने व्यवहार के आधार पर, अपने अपने अनुभवों के आधार पर एक ज्ञान ग्रहण करता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक कक्षा में वृक्ष, पौधे, झाड़ी, शाक, इन सब के विषय में अध्यापक ने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया। कक्षा 4 या 3 की कक्षा थी। उसके बाद उसने बच्चों को एक कार्य दिया कि कुछ समूह में पौधों के नाम लिखता हूँ, आपको इसमें से वो पौधा चुनना है जो बाकियों से नहीं मेल खाता। उसने उदाहरण दिया आम, सेब, बरगद और आम, सेब, बरगद और नीम। उसने कहा इसमें से आप अलग करिए कौन सा अलग है। तो एक बच्चे ने कहा कि बरगद अलग है क्योंकि मैंने बरगद का फल नहीं देखा, आम खाया है, सेब खाया है, नीम में मैंने छोटे छोटे फल लगे देखे हैं, मैंने बरगद का फल नहीं देखा, मेरे हिसाब से तो बरगद अलग है। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं है तो सर बरगद ही अलग, लेकिन आम की जड़, नीम की जड़ और सेब के पौधे की जड़ हमको दिखाई नहीं देती, बट बरगद की बड़ी बड़ी टहनियों से उसकी बड़ी बड़ी जड़ें लटकती हुई दिखाई देती हैं, तो इसलिए बरगद अलग है। देखिए बरगद अलग है उस समूह में, लेकिन उस समूह दो बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण से उसको अलग सिद्ध कर रहे हैं और दोनों का उत्तर अपने अपने अनुभवों के आधार पर ठीक है। यही रचनावादी दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चा अपने अनुसार ज्ञान ग्रहण करता है, अपने अनुसार। मैं एक और उदाहरण से इसको स्पष्ट करता हूं। एक बार अध्यापक ने सम और विषम संख्याएं, गणित से उदाहरण है लेकिन सम और विषम संख्याएं पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद उसको कहा, उसने प्रश्न दिया कि किसी सम संख्या में क्या जोड़ें कि वो विषम संख्या हो जाए। तो अध्यापक की अपेक्षा संभवतः ये थी कि वो सम संख्या में 1 जोड़ेगा तो विषम संख्या आ जाएगी, लेकिन कुछ बच्चों ने तो लिखा 1 जोड़ें, एक बच्चे ने लिखा किसी सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ दें तो संख्या विषम हो जाएगी। ये बच्चे का अपना अनुभव था, उसका अपना दृष्टिकोण था। रचनावादी पाठ्य योजनाएं इसी प्रकार बनाई जाती हैं जब बच्चों को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के अवसर हम अधिक से अधिक देते रहें। रचनावादी पाठ्य योजनाओं के बहुत सारे प्रारूप प्रचलित हैं, लेकिन एक ज़्यादा प्रचलित प्रारूप जो खासतौर पर भारत की कक्षाओं में प्रयोग किया जा रहा है उसको हम 5E अप्रोच या 5E योजना या 5E प्रणाली के नाम से जानते हैं, और ये ई उसके 5 पदों के अंग्रेजी में प्रथम अक्षर से निकली है। वे पद हैं इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेवरेट और इवेलुएट। संलग्न करना, खोजना, व्याख्या करना, स्पष्टीकरण देना और मूल्यांकन करना। हम इसमें से एक एक पद पर विस्तार से बात करते हैं। संलग्न करने से क्या तात्पर्य है, इंगेज से क्या तात्पर्य है? इंगेज से तात्पर्य है कि जब बच्चे कक्षा में आए तो आप उन्हें कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जो क्रियाकलाप बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, उनको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित हों, उनको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जो किसी मुद्दे या घटना के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करें, उनको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जिससे बच्चे अपने अनुभवों को प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर सकें, कुछ ऐसे क्रियाकलाप दें जहां बच्चों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का, प्रदर्शन करने का या आपसे प्रश्न पूछने का अवसर मिले। अर्थात जो प्रथम चरण है 5E योजना का, जिसे हम इंगेज या संलग्न करना कहते हैं, इस चरण में एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो पाठ्य योजना बनाते समय ऐसे क्रियाकलापों का निर्धारण करे जो क्रियाकलाप बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, पूर्व ज्ञान से उनके ज्ञान को जोड़ें, किसी घटना के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करें, उन्हें उनके जो अनुभवों पर आधारित विषय वस्तु है उसकी ओर उनको केंद्रित करें और बच्चों को अधिक से अधिक स्वयं को अभिव्यक्त करने, अपने कार्यों का प्रदर्शन करने और अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछने का अवसर मिले।
यहाँ सीधे विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं की जाती, सीधे पाठ का विषय नहीं बताया जाता कि आज हम इस विषय का शिक्षण करेंगे। अभी हम चरणों की बात करने के बाद एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा चरण है खोजना, एक्सप्लोर। जो अवधारणा, जो विषय आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या उनके अनुभवों के आधार पर उनके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, आप उसको और आगे ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे उसके कारणों की खोज करें, उससे संबंधित उदाहरण, मुद्दे, अवसर या अन्य क्रियाकलाप उनको प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करें। जब वो अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया करते हैं तो अंतःक्रिया में सामूहिक ज्ञान निर्मित होता है। उन्हें प्रश्न निर्माण करने दें, नए नए प्रश्न उनसे उठाने दें, और प्रश्नों के संभावित समाधान तुरंत आप प्रदान नहीं करें। रचनावादी दृष्टिकोण ये नहीं कहता कि एक अध्यापक यदि छात्र एक प्रश्न पूछेगा तो सीधे उसका उत्तर दे देगा, नहीं। अध्यापक उनको प्रश्नों के संभावित समाधान ढूंढने के लिए, चिंतन के लिए प्रेरित करेगा। तो ये द्वितीय चरण में होता है। इसके बाद जो तृतीय चरण है उसको हम कहते हैं व्याख्या करना। सामान्यतः द्वितीय चरण के बाद विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है जो उस दिन पाठ में पढ़ाई जानी है। उसके बाद अब जो विषय वस्तु आपको पढ़ानी है या जिस विषय वस्तु पर आज चर्चा करनी है, उससे वो बच्चों को सार्थक रूप से अनुभव उसका हो जाए, इसमें आपको उसकी सहायता करनी है। उस विषय वस्तु से संबंधित बच्चों के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर चर्चा करनी है, कुछ ऐसी क्रियाकलापों का निर्माण करना है जहां वो कुछ खोज कर सकें, या वो यदि कुछ खोज कर लाए हैं एक्सप्लोर के फेज में, जब उन्होंने कुछ खोजा है उसको और स्पष्टीकरण हो सके, उन्होंने कुछ अवलोकन किया है, कुछ प्रेक्षण किया है, उस पर चर्चा हो सके, और इनके माध्यम से आप अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। और फिर जब आप चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं तो उस चरण को हम स्पष्टीकरण या एलेबोरेशन कहते हैं। इस चरण में बच्चे जिस अवधारणा को सीखते हैं उस अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु उनको बहुत सारे अन्य क्रियाकलाप प्रदान किए जाते हैं। ये क्रियाकलाप उनकी जो भी अवधारणा है वो और मजबूत हो जाए उसके उद्देश्य के लिए निर्मित होते हैं, या उन्होंने जो अवधारणा सीखी है उसके नए नए अर्थ क्या हो सकते हैं, भिन्न परिस्थितियों में उस अवधारणा के उपयोग क्या हो सकते हैं, दैनिक जीवन में उस अवधारणा से जुड़े कौन से पक्ष हो सकते हैं उनका विवेचन करना, उनसे तुलना कराने का कार्य कराइए, उनसे वर्गीकरण कराने का कार्य कराइए। यदि कोई बहुत बड़ा सैद्धांतिक विषय वस्तु उनके समक्ष प्रस्तुत की गई है उसको संक्षिप्त में वो प्रस्तुत करें, इसके उनको अवसर दीजिए। तो इन कौशलों का विकास भी इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। और अंतिम चरण है इवैल्यूएट या मूल्यांकन, जहां आप प्रश्नों के माध्यम से जो भी अवधारणा विकसित हुई है उसकी समझ को जानने का प्रयास करते हैं। आप उनसे उदाहरण देने को कहते हैं, वे दृष्टांतों के माध्यम से अवधारणा के अनुप्रयोगात्मक पक्षों को स्पष्ट करते हैं। कई बार वे आप क्रियाकलाप करते करते भी विभिन्न सोपानों के बीच, विभिन्न चरणों के बीच उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे कुछ स्वतंत्र प्रदर्शन वो करके दिखाएं, ऐसे अवसर उनको प्रदान कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सतत आकलन के विभिन्न आकलन उपकरण हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। केवल प्रश्न आधारित दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय परंपरागत प्रश्नों पर आधारित आकलन नहीं होना चाहिए। आप उन्हें कुछ वर्ड पजल दे सकते हैं, कोई क्विज दे सकते हैं, कोई छोटा 2 मिनट का चर्चा सत्र आयोजित कर सकते हैं। तो आप सतत आकलन के जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं उन विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करें और उसके माध्यम से आप आकलन करें। आइए हम प्रयास करते हैं ये समझने का कि ये जो 5 चरण हैं 5 ई परियोजना के, जो इंगेज से शुरू होकर आगे बढ़ते हैं और इवैल्यूएट पर आकर समाप्त होते हैं, इन 5ों चरणों में हम कैसे किसी पाठ में पाठ योजना निर्मित कर सकते हैं। मैं कक्षा कक्षा का उदाहरण लेता हूँ। ये कक्षा 4 की एक पाठ योजना है जो एक अध्यापक ने बनाई, मैंने उसी पाठ योजना को उदाहरण के रूप में लिया है। उसने भोजन के स्रोत के रूप में एक शीर्षक लिया, उस शीर्षक के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, जैसे भोजन के स्रोत शब्द को स्पष्ट करना, भोजन के स्रोतों को सूचीबद्ध करना, स्रोतों के अनुसार भोजन सामग्री को वर्गीकृत करना। उसने ये भी निर्धारित किया, आप देखें कि उसने रंगीन कार्ड का एक सेट, उसे लगा कि एक अधिगम प्रक्रिया के लिए मेरे लिए उपयोगी हो सकता है, और उसे ये पूर्वापेक्षा थी क्योंकि कक्षा 4 के बच्चे हैं कि वो विभिन्न प्रकार के भोजन जो घरों में करते हैं उनका प्रयोग करें। अब देखिए वो कक्षा कैसे प्रारंभ करता है। वो जब कक्षा प्रारंभ करता है तो कक्षा में प्रवेश करते समय बच्चों से कहता है कि आप रोज जो खाना खाते हैं, आपका रोज का जो भोजन है, भोजन सामग्री है, अपने कॉपी पर, अपनी उत्तर पुस्तिका पर उनका नाम लिखिए, उनका एक चार्ट बनाइए कि आप रोज क्या क्या खाते हैं।
सुबह क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, विद्यालय जब टिफ़िन लाते हैं तब क्या खाते हैं, विद्यालय से जाने के बाद क्या खाते हैं, सब चीज़ों का आप नाम लिख लीजिए। और उसने छोटे छोटे समूह बना देता है वो। और जब हर एक बच्चा अपनी कॉपी पर, अपनी उत्तर पुस्तिका पर वो चार्ट बना लेता है, तो कहता है आप समूह में चर्चा करिए और ये देखिए कि क्या आप जो खाते हैं वहीं आपका मित्र भी खाता है, क्या आपके मित्र आपसे अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ प्रयोग करते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थों में विविधता क्या होती है। फिर बच्चों से ही कहा जाता है कि समूह में वो चर्चा करके ये बताएं कि भोजन की विविधता के विषय में उनका क्या कहना है। क्या जो सुबह के नाश्ते में भोजन है उसमें कोई विशेष विविधता देखी, क्या दोपहर में जो भोजन है उसमें विविधता देखी। इससे क्या होता है कि वो बच्चे अपने अनुभवों से जोड़ते हैं आज की विषय सामग्री को जो आपको पढ़ाना है। आपने अभी उनको ये नहीं बताया है कि आपको क्या पढ़ाना है, शिक्षक ने उनको ये नहीं बताया, शिक्षक ने उनको एक क्रियाकलाप दिया और उस क्रियाकलाप में समूह में उनको कुछ करने को कहा और उनको इंगेज कर लिया। ये इंगेजिंग है, ये उनको संलग्न करना है। इसके बाद उसने क्या किया, उसने उसको भोज्य पदार्थों का एक चित्र दिखाया। इस चित्र में आप यदि देखेंगे तो अधिकांश भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो दुग्ध निर्मित हैं। उसने ये नहीं बताया कि इसमें क्या है और कैसे निर्मित है, उसने कहा एक चित्र देखिए। उसने कहा आप जो अपना टिफिन लाए हैं, उसने कहा जो आप अपना टिफिन लाए हैं उस टिफिन में जो भोज्य पदार्थ हैं वो देखिए। और इसकी मदद से वो आगे प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ता है। वो अध्यापक से कहता है, जब आप विद्यालय आए बच्चों से पूछता है तो आपने क्या खाया, कोई बच्चा कहता है मैंने रोटी खाई, कोई कहता है मैंने दूध पिया, कोई कहता है लस्सी पिया, कोई कहता है कॉर्नफ्लेक्स खाया, जिसने जो भी खाया। फिर उनको तस्वीर दिखाता, तस्वीर में आपने क्या देखा, बच्चे कह सकते हैं इसमें कुछ भोजन सामग्री है, बच्चे ये भी कह सकते हैं कि तस्वीर में मैंने दूध, दही, चीज़, बटर, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें देखी हैं। उनसे पूछता, अच्छा इसमें से क्या सामान्य चीज़ें हैं, तो वो देख कर बच्चे पहचान लेते हैं कि भाई दूध, दही, दो चीज़ें तो हमें पता है, दही भी दूध से बनता है, आइसक्रीम भी दूध से बनी हो सकती है। यदि बच्चे ये नहीं बता पाते तो वो पूछता, क्या किसी को ये पता है मक्खन कैसे बनता है, चीज़ कैसे बनता है, तो बच्चे बताते हैं हाँ जी चीज़ भी दूध से बनता है। अच्छा दूध कौन देता है, दूध कहाँ से प्राप्त होता है, गाय भैंस से प्राप्त होता है, दूध का स्रोत क्या है, जानवर हैं। तो भोजन के स्रोत के विषय को प्रस्तुत करने से पहले देखिए, उसने एक क्रियाकलाप उनके अनुभवों पर आधारित कराया, एक क्रियाकलाप के लिए एक चित्र का प्रयोग किया और उसके माध्यम से पूरी विषय वस्तु को स्पष्ट करने से पहले उनके सारे अनुभवों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये इंगेज और एक्सप्लोर में हम करते हैं। फिर एक्सप्लेन फेज आती है। अब स्पष्ट है कि उसको भोजन के स्रोतों पर बात करनी है, तो अध्यापक अपने कक्षा में कहता है कि हमारे पास जो भोजन सामग्री है जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, क्या इन सामग्रियों को आप विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो बच्चे फिर उसी चार्ट की ओर जाते हैं जो चार्ट उन्होंने बनाया है अपनी कॉपी पर और रोज के भोजन पदार्थों पर। अब वो उन समूहों से कहता है ठीक है इनको वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए कुछ बच्चे वर्गीकृत करते हैं तरल और ठोस के आधार पर कि ये तरल भोज्य पदार्थ हैं, ये ठोस भोज्य पदार्थ हैं। हो सकता है उसके एक समूह ने उसको वर्गीकृत किया कच्चे और पके भोजन के आधार पर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कच्ची खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पकाकर खाते हैं। किसी समूह ने उसको वर्गीकृत किया शाकाहार और मांसाहार के आधार पर कि शाकाहारी लोग ये खाते हैं, मांसाहारी लोग ये खाते हैं। कुछ उसने कहा कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो फिर वो बच्चों के अनुभव की ओर वापस गया। व्याख्या करने में भी उसने उनके अनुभवों का प्रयोग किया और अनुभवों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं निकलवाई। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। यदि वो सीधे कहता कि आपके पास जो भोजन सामग्री की सूची बनाई है उनके स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटिए, तो बच्चे सीधे सीधे जो पौधों से मिलता है उस पर बांट देते और जो जानवरों से मिलता है उस पर बांट देते, लेकिन वो बिहेवियरिज्म अप्रोच होता। कंस्ट्रक्टिविज्म में वो जितनी तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जो भी उनके मन में आता है, वे सारे वर्गीकरणों को वो स्वीकार करता है। और स्वीकार करने के बाद फिर वो कहता है, अच्छा क्या आप इन सबको खाली शाकाहारी और मांसाहारी में बांट सकते हैं, उनका शाकाहारी और मांसाहारी में आपने क्यों बांटा, कौन सा भोजन शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी है। तो बच्चे बता सकते हैं कि जो भोजन पौधों से मिलता है वह शाकाहारी भोजन है और जो जानवरों से मिलता है वो मांसाहारी भोजन है। वो तुरंत प्रश्न पूछता है, आपने शाकाहारी सूची में दूध लिखा है, क्या दूध भी पौधों से प्राप्त होता है। नहीं, वो कह सकता है नहीं दूध तो जानवरों से प्राप्त होता है। क्या इसका मतलब कोई और तरीका हो सकता है क्या भोजन के वर्गीकृत करने का, तो अगला भोजन कच्चे और पके भोजन का वर्गीकरण हो सकता है। फिर वो फिर पूछता है कि आपकी माँ रोटी कैसे बनाती है, रोटी चपाती बनाते देखिए। वो कहता हाँ देखिए, उसके लिए वो आटा लेती है, उसमें पानी डालती है। देखिए बच्चे के अनुभव को प्रयोग कर रहा है, वो पानी डालती है, उसकी लोई तैयार करती है, उसे चपाती बनाती है। अच्छा चपाती के लिए आटा किससे मिलता है,
गेहूं से मिलता है, गेहूं कहां से मिलता है, गेहूं पौधे से मिलता है, गेहूं का स्रोत क्या है, पौधा है, तो फिर स्रोत की ओर आ गए। लेकिन अनुभवों को प्रयोग कर रहा है निरंतर, तो इस प्रकार अनुभवों का प्रयोग करते करते फिर वो इस स्रोत, इस जो भोजन के स्रोत का संप्रत्यय है, इसको और स्पष्ट करने के लिए वो इलैबोरेट की तरफ आता है। जब वो इलैबोरेट की तरफ आता है तो उसने कुछ रंगीन कार्ड बनाए हैं, जिन रंगीन कार्डों पर एक तरफ उसने कुछ खाद्य सामग्री बना रखी है और वो बच्चों को कार्ड दे देता है कि इसमें जो सामग्री बनी है इस कार्ड के पीछे, दूसरी तरफ उस स्रोत का नाम लिखो जिससे ये सामग्री प्राप्त होती है। और वह बच्चों के जितने द्वारा उत्तर दिए जाते हैं उनको बच्चों को कहता है इसको श्यामपट पर आकर लिखो। और फिर देखिए वो एक चार्ट तैयार कराता है जिसमें एक तरफ वो भोजन सामग्री का नाम लिखता है, एक तरफ जब बच्चों ने उसे पका और कच्चे के आधार पर बांटा है तो पका और कच्चा लिखता है, फिर वो जिससे बना है अर्थात वो गेहूं से बना है, अनाज से बना है, दूध से बना है, अंडे से बना है, वो लिखता है, फिर उसका स्रोत क्या है, वो गाय है, भैंस है, पौधा है, जानवर है। और इस प्रकार वो बच्चों के अनुभवों का निरंतर प्रयोग करते हुए भोजन के स्रोत का संप्रत्यय प्रस्तुत करता है। फिर मूल्यांकन के चरण में वो क्या करता है, वो मूल्यांकन के चरण में ये नहीं कहता कि भोजन के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं उनके उदाहरण दीजिए, ये परंपरागत है। यहाँ वो कहता है आपने जो कल भोजन किया था उन सामग्रियों की सूची बनाइए और फिर पहचानिए कि उनका स्रोत क्या था। फिर बच्चे के अनुभवों से जोड़ दिया, कल जो खाया था वो बच्चे के अनुभव में है, कॉन्सेप्ट उसको देना है स्रोत, लेकिन स्रोत का कॉन्सेप्ट बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा ये जानने के लिए उसने स्रोत का वर्गीकरण उनसे नहीं कराया। उसने कहा जो भोजन किया था उसकी सूची बनाओ और ये बता दो कि उनका स्रोत क्या है। फिर उसने कहा दूध से बनी हुई विविध सामग्रियों को सूचीबद्ध कीजिए। ये केवल एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप प्रयोग कर सकते हैं। अपनी कक्षा में बच्चों को निरंतर संलग्न रखना है, उनकी व्याख्या करनी है, उनको स्पष्टीकरण देना है, उनके दैनिक जीवन से उसको जोड़ना है और पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते, बातचीत करते करते उसका इवैल्यूएशन करना है। तो ये एक पाठ योजना का उदाहरण था। मुझे लगता है कि जब आप अपनी कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय पर विभिन्न विषयों पर पाठ योजनाएं बनाएंगे तब आप पाठ योजना बनाते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे कि उस पाठ को पढ़ाने के लिए आप कैसे बच्चों को इंगेज करेंगे, कैसे इंगेज करने के बाद उसको और आगे लेकर जाएंगे, व्याख्या करने के समय आप किस विषय वस्तु का प्रयोग करेंगे, इलैबोरेट करने के स्पष्टीकरण के समय आप किसका प्रयोग करेंगे और मूल्यांकन कैसे करेंगे। और आप ये सारी योजनाएं जब अपने कागज़ पर उतार लेते हैं, अपने रजिस्टर पर लिख लेते हैं, इन सारे चरणों से संबंधित सभी बिंदुओं को रख लेते हैं तो पाठ योजना निर्मित हो जाती है। पाठ योजना क्या होती है, आप पाठ को क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, किस सामग्री के प्रयोग से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने क्या पढ़ा, ये कैसे आप प्राप्त कर रहे हैं, इसका एक क्रमबद्ध लेखा जोखा ही तो पाठ योजना है। पाठ योजना और कुछ कोई विशिष्ट चीज़ तो नहीं है, कोई आपके अनुभवों से परे तो नहीं है। लेकिन जब आप पाँच ई आधारित पाठ योजना बनाते हैं तब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यह रचनावाद पर आधारित पाठ योजना है, अर्थात बच्चों को निरंतर अपने अनुभवों को बांटने का अवसर देना है, उनको अंतःक्रिया का अवसर देना है, उनको प्रश्न पूछने का अवसर देना है, उनके मन में जो प्रश्न आए उनका उत्तर उनको स्वयं ढूंढने का अवसर देना है और नए नए अनुभवों के माध्यम से उन्होंने जो संप्रत्यय सीखे हैं उनको और स्पष्ट करने का आपको कार्य करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में अपने शिक्षार्थियों की, अपने विद्यार्थियों की मदद कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आज की परिचर्चा आपने ध्यान से सुनी होगी और जब आप पाँच ही आधारित पाठ योजना अपने शिक्षण अधिगम में के लिए बनाएंगे, अपने विद्यालय शिक्षण के लिए बनाएंगे, तब आप इन चरणों का ध्यान रखेंगे और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। इस चर्चा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।